नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। कृषि कानून के विरोध में पूरे देश में लगातार प्रदर्शन का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब डैमेज कंट्रोल करने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी आज से यानी रविवार से देश के कई जिलों में किसानों के साथ सम्मेलन करेगी और सभाएं करेगी, जहां पर पार्टी के नेता किसानों को बताएंगे कि ये बिल उनके हित में कैसे है और कैसे उन्हें इस बिल से फायदा हो सकता है। तो आइए आपको भी बताते हैं क्या होगा इन 13 दिनों के अभियान में। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई नए कृषि कानूनों के समर्थन में रविवार से 13 दिनों के लिए कैंपेन चलाएगी। साथ ही कृषक समुदाय को केंद्र के कृषि सुधार उपायों से अवगत कराने के लिए राज्य भर के किसानों की सभाएं भी करेगी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि वह और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, हम राज्य के सभी 38 जिलों में किसान सम्मेलन करेंगे और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल लगाएंगे। बिहार के सारे केंद्रीय मंत्री इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भगवा पार्टी के इन कार्यक्रमों की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में किसानों ने नए कृषि कानून को लेकर अपना आंदोलन तेज करने का निश्चय किया है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि कृषि के क्षेत्र में बिचौलिए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और केंद्र ने प्रदर्शनकारी किसानों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी। उन्होंने कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वे देश में सभी कृषक बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हों। यही वजह है कि बिहार भाजपा ने नए कानूनों के समर्थन में अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें, किसानों ने दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर चिल्ला बॉर्डर का रास्ता खोल दिया है। किसान कुछ दिनों से यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और रास्ते को जाम कर रखा था। किसानों के अनुसार उनके नेताओं ने रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ने ही किसानों की मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। इस बैठक के बाद किसानों ने चिल्ला बॉर्डर को खोलने का निर्णय लिया और शनिवार देर शाम को बॉर्डर खोल दिया गया। देखते हैं आखिर इस 13 दिन के डैमेज कंट्रोल अभियान से क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन पर। ये तो देखने वाली बात होगी कि इससे कुछ असर पड़ेगा भी या नहीं। हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के लिए और देखते रहे नेशन न्यूज़।